अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मानसिक तनाव है या आप कई मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में आपने वर्तमान में जीना छोड़ दिया है। अक्सर हम अपने अतीत की वजह से घबराए रहते हैं, क्या उस पल में कर सकते थे उसमें खोए रहते हैं, और भविष्य के डर से कि क्या होएगा पहले ही सहम कर बैठे रह जाते हैं। ये मानसिक रोग अक्सर इस परिस्थिति में रहने की वजह से अपने आप ही आ जाते हैं। उस भय से निकलने के लिए जरूरी है कि ना हम कल्पनाओं में रहें, ना हम विचारों में रहें। इस समय, इस पल में जो भी है, उस पल से जुड़कर अपने इस अस्तित्व को स्वीकार कर कर आगे बढ़ते रहें। हमारी जो भी गलतियां अतीत में हुई, वो हमारे कल का निर्णय नहीं कर सकती। कल का निर्णय करने के लिए आज जरूरी है, मगर यदि हम आज सिर्फ भय में ही बिता देंगे तो कल की सृजनता कैसे करेंगे? तो अपनी मानसिक तनाव से दूर होने के लिए अपने आप को इस पल में, वर्तमान में प्रतिष्ठित करें। तय करें कि मैं अपने जीवन को अपने काबू में लेने के लिए तैयार हूं। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं और रोज इसको करके अपने जीवन को काबू में लाते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, हथेलियां अपनी गोद में रख के आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस भरिए और इसे हमें चार गिनती तक अंदर लेना है, 1, 2, 3, और अगली चार गिनती तक हमें सांस को रोक के रखना है। और अब चार गिनती तक हम सांस को बाहर छोड़ेंगे मुंह से, 1, 2, 3, और अगली चार गिनती के लिए हमें सांस नहीं लेनी, 2, 3, 4, और अब हम फिर से शुरू करेंगे। चार गिनती तक सांस लें, चार गिनती तक सांस रोकें, चार गिनती तक सांस को मुंह से बाहर छोड़ें, और चार गिनती तक सांस को फिर से ना लें। और फिर से शुरू करेंगे, सांस लें, 2, 3, 4, रोकें, 2, 3, 4, छोड़ें, 2, 3, 4, रोकें, 2, 3, 4। सांस लेने के इस तरीके से हम अपने मन को, अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। इस सांस को लेने के तरीके से हमारे शरीर में तुरंत आराम आता है, विचारों से ध्यान हटता है और हम वर्तमान से जुड़ जाते हैं। दिन में कभी भी अगर आप अतीत या भविष्य में फिसलते हुए मिले, तो आप अपना ध्यान अपनी सांस पर इन्हीं चार गिनतियों के हिसाब से दोबारा ले आए। एक और बार सांस लेंगे, रोकेंगे, सांस को छोड़ेंगे और रोकेंगे। और अब ध्यान अपने नाक के आगे वाले हिस्से पर ले आएंगे और देखेंगे कि क्या रंग है हमारी इस सांस का। इसको अब एक ऐसा रंग दे जिससे आपको शीतलता महसूस हो, शांति महसूस हो। और देखिए, हर सांस जब अंदर जा रही है, वो आपको और शांत बना रही है। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रहिए, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अब हर सांस के बीच के अंतर के ऊपर ध्यान दें। किस तरह से सांस बटी हुई है, इस बात पर ध्यान दें। अक्सर हम जब बातें करते हैं, कोई कार्य करते हैं, हम सांसों को भूल ही जाते हैं, भूल जाते हैं किस तरह से हम जीवित हैं। इन बातों को हम बहुत ही मामूली समझते हैं, मगर इसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। सिर्फ सांस पर ध्यान लाने से ही हम अपने पूरे शरीर को वर्तमान में खींच कर ला सकते हैं। सारी शक्ति हमारी वर्तमान में ही है। शांत रहते हुए स्थिति को हम महसूस करेंगे और सांस के बीच के अंतर को बार बार
देखेंगे। अगर हो सके तो अपने इस अवधि को हम बढ़ा भी सकते हैं। सांस को खींचते हुए अपने पेट के निचले भाग तक ले जाएं, सांस छोड़ते हुए कंधों को ढीला छोड़ दें, पैरों को ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपने सर के ऊपरी हिस्से पर ले जाएं, अपने सहस्त्रार चक्र पर, और देखें कि इस सृष्टि की सारी रचनात्मक शक्ति अब आपके अंदर उतर रही है। और जैसे जैसे ये शक्ति अंदर आ रही है, आपके वो सारे विचार जिससे आप एक बेहतरीन जीवन शुरू कर सकते हैं, आपके अंदर बहने लगे हैं। आप अपनी अंतर्दृष्टि से और साफ साफ देख सकते हैं। अंतर्मन के जरिए आप कोई भी घटना होने से पहले उसका आंकलन कर सकते हैं कि ये मेरे जीवन को किस तरह से बेहतरीन बना सकेगी। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने सांस के बीच के अंतर पर ले जाएं। जब भी आपका दिल या आपका दिमाग बहुत तेजी से बहे, बहुत तेजी से चले, तो सांस के इस अंतर पर हमें बार बार ध्यान लेकर आना है। चार की गिनती में हम फिर से सांस लेंगे, एक दो तीन रोकेंगे, एक दो छोड़ेंगे सांस, एक दो तीन और फिर से सांस लेंगे, एक दो तीन। अब वो सारी बातों को अपने सामने लेकर आइए जिनकी वजह से आप चिंतित हैं। जब ये बातें आपके सामने आ चुकी हों, तो महसूस करिए कि अगर ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है, तो क्या इन बातों की अभी भी उतनी ही अहमियत है? इनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं अपने जीवन से हटाकर खुद को इन चिंताओं से मुक्त कर सकता हूँ? अब धीरे धीरे हर सांस के छोड़ने पर, हर सांस के साथ, देखिए कि आप इन चिंताओं को स्वयं से दूर करे जा रहे हैं। सांस लेते जाइए और हर सांस के साथ एक एक चिंता को अपने शरीर से और दूर करते जाइए, और दूर करते जाइए, और दूर करते जाइए। और जब कुछ भी ना बचे, तब अपना ध्यान वापस अपने हृदय चक्र पर लेकर आएं और देखिए कि एक ऊर्जा आपके चारों ओर आपको समेट रही है, आपको नई शक्ति प्रदान कर रही है। आपको हर वक्त अपनी इंद्रियों के जरिए इस पल में, इस क्षण में, वर्तमान में बांधे हुए हैं और आप पूरी सरलता से, सहजता से पीछे गए हुए वक्त को और आगे आने वाले वक्त से मुक्त होके, उनकी चिंताओं से मुक्त होके अपने जीवन को एक खूबसूरत तरीके से जी रहे हैं। इस शांति को अपने अंदर समाते हुए चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान ले आएं और धीरे धीरे हम अपने शरीर में वापस आएंगे। अपना ध्यान अपने पैरों, हाथों और कमर पर लाते हुए अपनी हथेलियों को हम आपस में रगड़ते हुए आंखों पर रखेंगे और आंखें आसानी से खोलेंगे।